मम्मी ये बुआ और फूफा कब आएंगे, फिर मैं कपड़े चेंज कर लेता। अरे परेशान मत हो, जब वो आएंगे ना तुझे खुद ही पता चल जाएगा। मतलब 50 रुपए किस हिसाब से हुए? आगे। तूने कहा 20 रुपए सवारी है तो 40 ही तो बने। अजी बच्चा भी है, सामान भी है। बच्चा इसका तो ट्रेन में भी टिकट नहीं दिया हमने। 40 से 1 रुपया ऊपर नहीं मिलने का। और ट्रेन में ऐसे कैसे ब्रेड कटलेट के 50 रुपए ले लिए उसने, इसलिए मैं ट्रेन में कभी सफर नहीं करता। मैं तो आपको पहली कह रही थी बच्चे को एक थप्पड़ मारो और काम खत्म करो, आपकी बड़ा प्यार आ रहा था इस पे। फूफा जी अंदर आके बात कर लेते हैं ना। अरे रुक जा यार, कोई इंसानियत नाम की भी चीज होती है? एक तो ठंडी ठंडी चाय पकड़ा दी और ऊपर से 50 रुपए ऐसी वाहियात ब्रेड के। क्यों बहन जी मैं ठीक बोल रहा हूँ? हाँ जी अंदर आ जाओ ना, तब बताना सब कुछ। हाँ बेटा मैं वही कह रही हूँ, सुनते ही नहीं है। अरे लेकिन बात थोड़ी गलत है, उन बहन जी से पूछो, उन्होंने मेरी हाँ में हाँ मिलाया। और तुझे क्या हुआ भाई? मुझे कुछ नहीं, क्यों? जवान लड़का हो रहा, तेरे पे ये नहीं हुआ गया कि स्टेशन पे बुआ और फूफा को लेने आ जाऊँ? रिक्शा में आ रहे धक्के खाते हुए हम। अरे उठाई से वो क्या देख रहा। प्रणाम आंटी। प्रणाम बेटा। प्रणाम अंकल। अरे जीते आतावड़े भेज दिए सारे शेयर, जब तक मैं ना बोलूं कुछ भी ट्रेड मत करना। अंकल जी नमस्ते। हाँ जीते रहो। हाँ तो मेरी पार्टनर से बात हो गई थी हमारे। चल ठीक है बाद में कॉल करता हूँ, बाहर आया हूँ अभी। आइए पांडे जी, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे तकलीफ कैसी, वो तो मैं उठाइए ना बोलता बड़े। नहीं नहीं नहीं, इस बार हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले, पिछले साल इसी वजह से मैंने अंबानी जी से पार्टनरशिप नहीं की थी। और जी सब बढ़िया? सब बढ़िया भाभी, आप बच्चों को लाते तो और अच्छा लगता। देखिए महिंद्रा साहब बात पैसों की नहीं है, मेरे भी कुछ उसूल हैं। अगर आप मेरा पिछले साल का रिकॉर्ड देखोगे तो खुद कहोगे कि मैं सही हूँ। काफी फोन आते हैं भैया के। हाँ काम ही ऐसा है इनका। चलिए खाना खा लेते हैं। हाँ हाँ चलिए। हाँ जी चलो भाई। सब कुछ चाहिए आपको? रोटी लाओ। देखिए माल्या साहब आप तो कुछ बोलिए मत, आपसे बिजनेस करके मैं अब तक अफसोस कर रहा हूँ। अब मैं आपसे एक भी डील करने को राजी नहीं हूँ। अरे बार बार कॉल करना बंद कीजिए, वरना मैं गवर्नमेंट को बता दूंगा कि आप लंदन की किस गली में रहते हो। चलिए अब मुझे खाना खाने दीजिए आप। अरे कहाँ गए सब? भाभी जी तो चली गई कब की घर, और आपका खाना हो जाए तो आपको भी घर आने के लिए बोल के गई। चलो फिर मैं भी चलता हूँ, बहुत ही बढ़िया रहा, पता ही नहीं चला वक्त कैसे कट गया है जी। हाँ वो तो है। चलिए ग्रोवर साहब चलता हूँ। हाँ जी टाटा साहब बोलिए, कैसे याद किया? अरे आपकी बात कैसे कट जाएगी, आपकी बात पत्थर की लगी। बिल्कुल मना नहीं हो। अंकल पानी लाओ आपके लिए। नहीं नहीं बेटा बोतल है मेरे पास। चलो भाई सब चाय लाती हूँ फिर आपके लिए बना के। भाभी जी चाय तो मैं ले लूंगा, लेकिन चीनी ये वाली डालना और प्लीज पत्ती ये वाली डाल देना। अंकल फिर तो आप दूध भी लाए होंगे। हाँ बेटा दूध भी लाया हूँ, दे दो मम्मी को। और चॉकलेट ये लो। भाई ये तो अपने बैग में पूरा सुपर मार्केट लेके आए हैं। ठंडे ठंडे पानी से। अंकल ब्रश टूथपेस्ट और टॉवल मैंने बाथरूम में रख दिया है, आप जा सकते हैं। नानी बेटा इतने तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ साथ में लेके चलता हूँ। ये देख ब्रश टूथपेस्ट और टॉवल। अरे साबुन और शैम्पू तो मैं भूल ही गया। अरे उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, वो भी है मेरे पास। अच्छा वैसे अंकल बाल्टी मग लाऊं या वो भी? ये रही बेटा बाल्टी भी। अब अंकल ये मत बोलना कि आप पानी भी साथ लाए हो। अंकल आपके नाम पे वो पानी का टैंकर आया है। ये लो पानी भी आ गया, अब मैं नहा लेता हूँ। बेटा वो बेडशीट और ब्लैंकेट जरा ठीक से तय करके मेरे बैग में रख देना, मेरा ही है। और वो बल्ब भी मेरा ही है। तो भाई क्या आदमी है ये। तो भाभी जी राज ने तो आर्ट्स ली होगी, वो तो कुछ वीडियोस वीडियोस ही में लगा रहता ना, कहाँ ही पढ़ पाता होगा। नहीं भाई साहब कॉमर्स ली है उसने, पढ़ना तो उसमें भी होता ही है। अच्छा कॉमर्स में कहाँ। राज बेटा पानी लाना। जी अंकल। इतनी देर हो गई अब तक पानी नहीं लाया, इन्हें आजकल के बच्चों को कुछ काम कह दो तो गायब भी हो जाते हैं। भूल गया होगा अंदर जाके, बड़ों की बातों की वैल्यू थोड़ी ना है कुछ। लीजिए अंकल, एक्चुअली आपको खांसी हो रही थी तो मैंने सोचा कि पानी गर्म कर लेता हूँ, इसलिए लेट हो गया। अच्छा अच्छा थैंक यू मामा। अरे मिंकू आ गया। मिंकू इधर आ बेटा। हाँ जी। नमस्ते करो अंकल आंटी को। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। ये संस्कार सिखा रखे हैं बच्चों को, ये नहीं किया कि पैर छू लूं। फेरीबन अंकल, फेरीबन आंटी। मैं बाहर से आया था ना तो मेरे हाथ गंदे हो रहे थे, इसलिए मैं धोने गया था। खीर में से कुछ जले दूध की स्मेल आ रही थी, खीर लग गई थी क्या? नहीं तो भाभी। वैसे रश्मि जी आप जो ये आटा यूज कर रहे हो ना पूरा मैदा है, हम इस आटे की 2 रोटी भी नहीं खा सकते, पछती ही नहीं। वैसे अंकल आंटी आप लोग दिल के कितने अच्छे हो ना, पसंद ना आने के बाद भी आपने 6 बार खीर ली और 10 रोटियां खाई। मैं गिन रहा था
आपने हमें एक बार भी पता नहीं लगने दिया कि आपको खाना अच्छा नहीं लगा। अरे ग्रोवर साहब, आपकी गाड़ी रास्ता रोक के खड़ी है, हटाइए इसे। वैसे ग्रोवर साहब, आपका घर इतना बड़ा है तो आप गाड़ी बाहर क्यों खड़ी करते हो? मजा आता होगा लोगों को परेशान करने में। अरे लेकिन हमारी गाड़ी तो अंदर ही है। अरे वो गाड़ी खुद ही टहलने बाहर निकल गई होगी। अंकल बाहर से आपकी गाड़ी हटा लीजिए, वो रास्ते में खड़ी है। लेकिन मैं तो अपनी गाड़ी साइड में लगा के आया था। शायद वो भी एक जगह खड़ी खड़ी परेशान हो गई होगी। बहुत फनी है बेटा तू। चलिए फिर चलते हैं, आप लोग भी कभी आइए। जी बिल्कुल, जरूर आएंगे। ले बेटा ये रख ले। नहीं अंकल, मुझे शर्म आती है। अरे नहीं नहीं बेटा ले ले। नहीं अंकल, मैं ये नहीं ले सकता। अरे मम्मी ने मना किया होगा, बच्चे नहीं मना करते। अंकल ये मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, मेरी भी कोई इज्जत है। पैसे लेने को मना तो किया था, लेकिन इतना क्यों मना कर रहा है? ले ले बेटा, अंकल इतना जिद कर रहे हैं तो। 10 रुपए लेने में शर्म आ रही है, आजकल आते ही क्या है मम्मी 10 रुपए में। हो गया, 6 बजे के 3 टिकट करा दिए मैंने। ठीक है, टाइम से चलना, पिछली बार लेट करा दिया था तूने। कास्टिंग की छुट्टी थी, पूरी मूवी देखी थी आपने। आपको तो मुकेश का वो लंच भी नहीं छोड़ते हुए देखना होता है ना शुरू में। टाइम से चलने को ही तो कह रहा हूँ। ठीक है 4 बजे निकल जाएंगे, माधव की यूनिफॉर्म भी लेनी है और कुछ घर का सामान भी खत्म हो रहा है वो भी ले लेंगे। ठीक है चल, मैं कार बाहर निकाल रहा हूँ, इतने आ जाओ तुम लोग। हाँ ठीक है। नमस्ते जी। नमस्ते। अरे शर्मा जी आइए आइए आइए, बैठे बैठे। रश्मि आ जाओ, शर्मा जी आए हैं भाई। हाँ बस बहुत दिन से सोच रहे थे कि आना है, फिर आज हमने सोचा कि फोन नहीं करते, सीधा ही छापा मारते हैं। अरे अच्छा कि आप लोग आ गए। अच्छी बताए चाय लेंगे कि ठंडा लेंगे? अबे जी चाय का भी टाइम हो रहा है, ले लेंगे थोड़ी थोड़ी। चलिए ठीक है मैं लेके आती। यूनिफॉर्म का टाइम तो गया, अब अगर ये लोग 5 बजे तक भी चले जाते तो कम से कम घर का सामान तो ले लूंगी। रश्मि वैसे घर तो अच्छा बना रखा है तूने। अच्छा सुन, चाय में ना चीनी थोड़ी कम डालना। हाँ हाँ कम ही डालूंगी भाभी। अरे रश्मि बिस्किट नमकीन कौन खाता है आजकल, मत निकाल। अरे चाय खाली थोड़ी ना पियोगे, कुछ तो चाहिए साथ में। कोई वो मक्कीन वगैरह के पैकेट पड़े हो ना, तो वो तल दे इससे अच्छा। अच्छा मैं तल देती हूँ। गया आधा घंटा। वैसे रश्मि वॉशरूम किधर है? वो सामने दरवाजे से लेफ्ट है भाभी। अच्छा रश्मि तेरी तो आगे सारी वॉल्स पे सीलन आ रही है। हाँ जी भाभी। तो तूने कुछ कराया नहीं इसके लिए? अरे कराया तो बहुत कुछ है, ये जाती नहीं है, वैसे वॉशरूम उधर है। अरे सुन मैं बताती हूँ क्या कर। तू ना जहाँ भी सिलवा ले सिलवा ले, और वहाँ पे डॉक्टर से चेकअप पेट लगा ले। देख 5 से 6 महीने का समय लगेगा और वो चलेगा बहुत टाइम तक, मेरा तो 5 साल चल रहा है। ये परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है। हाँ हाँ वॉशरूम इस साइड है। और तूने वो पहले दीमक का ट्रीटमेंट भी कराया था ना, उसका क्या हाल है? अब तो नहीं आते वो उड़ने वाले कीड़े? भाभी दीमक तो है अभी। आज मैं कराती हूँ तेरा इलाज, तू ना भाभी वो चाय गैस पे रखे, वॉशरूम उधर है। ओ हाँ घर के सामान का टाइम भी गया। ऐसे मजा आ गया भाभी जी चाय में। हाँ हमारे मजे खराब करके तो मजा आ ही गया होगा। सुनो वो शो का टाइम हो रहा है। हाँ चलो चलो चलो। कौन सा शो भाभी? अरे भाभी 7 बजे की मूवी की टिकट्स करा रखी हैं, अब 3 बजे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था तो हमने सोचा 2-3 घंटे यही काट लेंगे, बीच में घर का जाते। ओ तो आप यहाँ टाइम पास करने आए थे? काइंड ऑफ, वैसे मिलना भी था ही यार ऑब्वियसली। अच्छा रश्मि अब ना हम चलते हैं। चलो ऐसे कैसे भाभी जी, आपका तो टाइम पास हो गया, लेकिन हमारा तो टाइम पास हो गया ना। मतलब? मतलब ये अब आप मेरा दीमक का पूरा ट्रीटमेंट करा के जाओगे। अरे रश्मि मिस हो जाएगा हमारा शो, हमारा सारा प्लान खराब करके आप खुद पिक्चर देखने जाएंगी। हे गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और मुझे पता है इनमें से एक ना एक टाइप का गेस्ट तुम्हारे यहाँ कभी ना कभी ज़रूर आया होगा, तो उनको भी शेयर कर दो ये वीडियो। नहीं मत करना, मैं नहीं चाहता तुम्हारे घर में कलेश हो। खैर अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर देना मत जाना। बाय बाय।